नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है जिसके विरोध में कई विचारक और कई लेखक भी अपने अपने विचार रख चुके हैं, और सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो इसका विरोध लगभग लगभग हर एक कोने से हो रहा है। आम लोग तो इसके खिलाफ बोल ही रहे हैं, साथ में रतन शारदा जैसे लेखक हों या फिर मकरंद पंजारपे जैसे लेखक मकरंद जैसे लेखक हों। इसके अलावा नीना राय, जिन्होंने हाल में ही अयोध्या पर एक किताब लिखी है, या आरती, जो कि इकोनॉमिक्स पर लिख चुकी हैं, ये सभी के सभी इसके विरोध में बोल रहे हैं। शेफाली वैद्या भी इसके खिलाफ अपनी राय रख चुकी हैं। आम लोगों के बीच तो इसको लेकर विरोध जो जारी है वो जारी है ही। अब सवाल है कि आखिर ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम का कॉन्फ्रेंस हो ही क्यों रहा है, या इसका नाम ही ऐसा क्यों रखा गया? क्या ये नफरत की खेती करना नहीं है? क्या ये ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ जहर बोया जा रहा है? सबसे पहले तो शायद इसके समर्थन में कहने वाले लोग कहेंगे कि वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुइज्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये उतना ही बड़ा झूठ है। ये कितना बड़ा झूठ है ये बात उन्हें खुद भी बहुत अच्छी तरह पता होती है। उन्हें पता है कि वो जो सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल में कहीं से भी किसी अलग चीज़ का विरोध नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका वो विरोध करते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिसका वो समर्थन करते हैं, हिंदुइज्म में उन्हें ऐसा क्या दिख जाता है, तो इस सवाल का जवाब देने में उन्हें भारी दिक्कत हो जाएगी। तो आते हैं हम लोग पहले इस बात पर कि आखिर इस चीज़ का विरोध हम लोग कर ही क्यों रहे हैं या क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि नफरत की ये खेती ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्फ्रेंसेज, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है। अगर नाजियों का यहूदियों के खिलाफ जो एक पूरे दौर में हिंसा का दौर चला था, उसके बारे में अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह सब कुछ बहुत मामूली से कार्टून्स के साथ शुरू हुआ था। सिर्फ एक अजीब सी नाक वाली कार्टून बनाया करते थे और शुरुआत उसी से हुई थी। एक जानी मानी फिल्म है फ्रीडम राइटर्स, अगर आपने फ्रीडम राइटर्स देखी हो तो उसके एक दृश्य में जो नायिका होती है वो बच्चों को बता भी रही होती है, सिखा भी रही होती है कि नफरत इसी तरीके से शुरू होती है, इसी तरीके से बोली जाती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जिन लोगों ने गोवा इंक्विजिशन के बारे में पढ़ा होगा, उन्हें पता है कि जिसे आज आप सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के नाम से जानते हैं, वो दरअसल हिंदुओं के खिलाफ ऐसे ही घृणा अपनी चिट्ठियों में व्यक्त करते नज़र आते हैं। ये सिर्फ उनकी चिट्ठियों में नज़र आती हो ऐसा भी नहीं है, दर्जनों मंदिरों के तोड़े जाने में, सैकड़ों मंदिरों के तोड़े जाने में, हत्याओं में, लूट में, बलात्कार में, और जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने काबुल में एक जलती हुई यूनिवर्सिटी देखी है, वैसा ही बरसों पहले यहाँ पर नालंदा के विश्वविद्यालय को जलाने में देखा गया था। तो ऐसा नहीं है कि यह नफरत की खेती कोई आज शुरू हुई है, यह नफरत काफ़ी लंबे समय से जारी है, और इसका शायद उचित प्रतिरोध या उचित स्तर पर विरोध नहीं हुआ, इसीलिए किसी न किसी बहाने से ये फिर से हमारे सामने आ जाती है। आज जब दौर फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का है, तो आपको पता है या सभी जानने वाले लोगों को पता है कि फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में सूचना क्रांति का दौर होता है, और जानकारी या फिर कहिए कि प्रोपेगेंडा के जरिए कैसे लड़ाइयाँ लड़े जाने से पहले ही जीत ली जाती हैं, इसका इंतज़ाम किया जाता है। और आज हम लोग इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में उसी को दोहराया जाता हुआ देख रहे हैं। इसे कल्चरल इम्पेरियलिज्म कहा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बिल्कुल वही है जो एक बदले हुए स्वरूप में हमारे सामने आ रहा है। अगर आप सोचेंगे कि इसका विरोध किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो ये एक डरावनी स्थिति इसलिए भी है क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका के कई विश्वविद्यालय स्पॉन्सर कर रहे हैं। जब इस बात की जांच की गई तो ये भी पता चला कि इसे स्पॉन्सर करने वाले या इसे आयोजित करने वाले लोग जो हैं वो कोई बहुत नैतिकता के अच्छे मापदंड लेकर नहीं चलते। कई ऐसे विश्वविद्यालय भी पाए गए जो कि जानते ही नहीं थे कि उनके लोगों का इस्तेमाल इस कॉन्फ्रेंस के लिए किया जा रहा है, उनसे इजाज़त ही नहीं ली गई थी, और बाद में उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस में से लोगों जब हटाने या वापस लिए जाने की मांग सामने रखी, तो आयोजकों ने, जो इसके अनैतिक किस्म के आयोजक, झूठे मक्कार किस्म के लोग हैं, इन लोगों ने उन नामों को तो हटाया ही, साथ ही अब वो
ये दलील दे रहे हैं। अब उनके लिखे हुए में अगर आप देखें तो वहाँ लिखा हुआ ये नहीं आता सीधा सीधा कि 40 यूनिवर्सिटी इसे सपोर्ट कर रही हैं। वहाँ पे अब ये एक हिस्सा जोड़ा जाने लगा है कि या तो सीधे सीधे विश्वविद्यालय उनका समर्थन कर रहे हैं या विश्वविद्यालय का कोई विभाग उनका समर्थन कर रहा है। और अनैतिक तरीके से इतने दिनों से वो इसका लोगो इस्तेमाल करते आ रहे थे, अब जाकर उन्होंने इसे बदलना शुरू किया है। तो ऐसे अनैतिक लोगों का आप समर्थन करें या नहीं करें, ये आपको सोचना पड़ेगा। और ये पहला वाक्या नहीं और ये अंतिम वाक्या भी नहीं है। जब ये होगा या फिर इसे दोहराया नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये सोचा जाए कि ये डरावना क्यों है, तो भारतीय लोगों के लिए ये डरावना इसलिए हो जाता है कि ये जो 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें भारतीय लोगों के कई बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें यहाँ से घर से बहुत दूर भेजा जाता है, और वहाँ अगर सोचिए कि उनका सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए मजाक उड़ाया जाए क्योंकि वो हिंदू हैं, तो कैसा बुरा लगेगा उन्हें, या उन्हें कौन सी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हाल में ही रश्मि सामंत के केस में हम लोगों ने देखा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली महिला छात्र नेता थी, पहली महिला थी जो कि भारतीय महिला थी, जिसकी प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला छात्र संघ का, और उसे अपने पद से इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि उसके साथ बुलिंग की जा रही थी सिर्फ हिंदू होने के कारण। कितनी बुरी बात है। सोचिए कि अगर एक वहाँ मामला सिर्फ और सिर्फ एक रश्मि सावंत का था, रश्मि सावंत के पास किस्मत से कानूनी प्रक्रिया को देखने के लिए उसके पास वकील थे, उनके पास समर्थन आ गया बहुत से लोगों का, इसलिए वो इसका मुकाबला कर पाई। कई ऐसे बच्चे भी तो होंगे जो डर जाएंगे और जवाब भी ना दें, या शायद अधूरे में अपनी पढ़ाई छोड़कर उन्हें वापस आना पड़े, जैसे रश्मि सावंत को काफ़ी लंबे समय तक बाहर रहना पड़ा। फरवरी से लेकर के जून जुलाई तक उसकी जो पढ़ाई बर्बाद हुई, उसका जो समय बर्बाद हुआ, उसे जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, आखिर उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप। ऐसा ही जब और छात्रों के साथ होगा तब क्या होगा। ध्यान रखिए कि अमेरिका में बंदूकों को लेकर जो नियम है वो भी बिल्कुल अलग है। स्कूलों में कोई आकर भीड़ पर गोली चला दे, ये बिल्कुल अनोखी बात नहीं है या बिल्कुल ना होने वाली बात तो नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, और ऐसा अगली बार नहीं होगा, इस बात को दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। इस कॉन्फ्रेंस का होना बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप किसी बच्चे की पीठ पर पेंट कर दें, एक टारगेट का गोल सा निशान लगा करके बना दें और वहाँ लिख दिया जाए हिट मी। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े? अगर नहीं करना पड़े और हम ये चाहते हैं कि ऐसी स्थितियाँ ना आए, ना बने, ना तैयार हों, तो हमें विरोध तो करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि हम गांधीवादी तरीके से इसका प्रतिकार करें या विरोध ना करें, या आपके एक गाल पे थप्पड़ मारा जाए तो आपको दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, लेकिन हर बार ये चलता है क्या? क्या हिटलर जैसे नफरतियों के प्रति यही नीति अपनाई गई थी? क्या इसी तरीके से नाजियों को सुधारा गया था, आप गुलाब भेजते थे और गेटवेल सून का संदेश देते थे? नहीं, आपको इनसे बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला करना पड़ता। और इस मामले में भी हमें आमने सामने ही मुकाबला करना पड़ेगा। उम्मीद है कि भारत की सरकार का ध्यान भी इस पर जाएगा। हमारी ओर से ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस मामले में कुछ कहा है, ना ही हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री ने इस बारे में कुछ कहा है। जबकि हिंदुत्व के प्रति अगर कोई भी बुरी विचारधारा आती है या कुछ भी बुरा इसके बारे में कहा जाता है, तो सीधी सी बात है कि भारत की 80% आबादी के बारे में अगर कहा जाए कि वो बुरे लोगों की आबादी है या हिंदुत्व नाम के किसी बुरे विचारधारा से वो लोग ग्रस्त हैं, वो लोग पीड़ित हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये भारत की छवि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख़राब करता है। लेकिन इस मामले पर अभी तक ना तो कल्चरल मिनिस्ट्री से कोई जवाब आया है, या फिर ना ही कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कुछ इस बारे में कहा गया है। ये बहुत ही विचित्र दशा है, क्योंकि अगर ये विभाग ऐसा कहना चाहे कि उन्हें इस आयोजन के बारे में पता ही नहीं था, तो फिर तो और भी बुरी बात है, क्योंकि अच्छी छवि बनाए रखना या अच्छी छवि प्रस्तुत करना ही तो इन लोगों का काम था, और कोई छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है आपको पता ही ना चला हो, ये तो बड़ी ही खेद की बात है। आप शायद अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रहे थे या ठीक तरीके से नहीं कर रहे थे, ऐसा लगता है इस बात से। जहाँ तक आम लोगों का सवाल है, आम लोग इसके लिए लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जैसी संस्थाएं भी इसके विरोध में आई हैं, और उन्होंने भी कोशिश की है कि चिट्ठी लिखकर
और इन सारे यूनिवर्सिटीज से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या वो सचमुच में इस तरह के किसी आयोजन का समर्थन करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि कई यूनिवर्सिटियों ने अपने हाथ खींच लिए हैं, या फिर उन्होंने बताया है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं थी कि कोई उनका लोगो इस गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे सभी लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। उम्मीद है कि ऐसी और भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो कि इस मामले में से अपना हाथ वापस खींच लेगी, लेकिन तब तक हम लोगों को अपनी ये लड़ाई जारी रखनी है और सितंबर में जब ये कॉन्फ्रेंस होता है तो इसे रोका जाए या फिर इसका पूरा पूरा जवाब दिया जाए, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। सिर्फ एक पक्ष की बात किसी मंच से अगर की जा रही हो तो वो मंच निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता और इस किस्म के आयोजन निष्पक्ष नहीं होते, इसका विरोध हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोग भी साथ आएंगे और इसका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक या तो इस तरह के आयोजन रुक नहीं जाते या फिर इनके विरोध में दूसरे किस्म के आयोजन या दूसरे पक्ष की बातें सुनाई देनी शुरू नहीं होती।